नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। भाजी यूमो नेता दिनेश तोमर और उसके दोस्त अमित शर्मा को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर घायल करने वालों की गाड़ी सिरोल में खड़ी मिली है। पुलिस का कहना है कि दोनों यहां गाड़ी छोड़कर भाग गए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों गोली मारने के बाद पहले कांच मिल पहुंचे, वहां स्कॉर्पियो खड़ी की और दोनों बाइक से भाग गए, जिसके बाद एक युवक गाड़ी सिरोल में छोड़कर आया। पुलिस को आरोपियों का सुराग मिल गया है और जल्द ही आरोपियों की धरपकड़ की जा सकती है। आरोपियों ने जो वहां से घटनास्थल में से भागने में जो स्कॉर्पियो उपयोग की थी, वो ब्लैक स्कॉर्पियो जब्त हो गई है और जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। जहाँ जहाँ संभावित ठिकाने थे वहाँ दबिश लगातार हो रही है घटना के बाद से, और बहुत जल्द सफलता की उम्मीद है। दो आरोपी हैं जो जिन्होंने घटना कारित की और दो उनके मददगार हैं, कुल चार आरोपी हैं। ये आरोपी जो मानसिंह सिकरवार है और वो नंदी तोमर, ये दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने की वजह से इनकी आपसी रंजिश उस दिनों से चली आ रही है, विशेष कोई कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। चुनाव आचार संहिता के चलते पुलिस द्वारा इन दिनों वारंटियों एवं फरार बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। इसी तारतम्य में हजीरा पुलिस ने एसटीएफ की मदद से धर्मकांटा एरिया से एक साल से फरार आरोपी कौशलेंद्र सिंह को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2018 में महेंद्र वैश्य पर जानलेवा हमला कर उस पर गोली चलाई थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। गोली चलाई थी महेंद्र वैश्य के ऊपर, इस पर आरोपी वांटेड था, तो केपी नाम का, तो कौशलेंद्र नाम है, तो वो उसकी सूचना मुखबिर से मिली थी कि वो धर्मकांटा फिर आ रहा है, जिसको हमने और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन करके उसको गिरफ्तार किया और फिलहाल के इनामी को पकड़ने से सफलता मिली। चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय में गुरुवार को आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी गवाही के लिए नहीं पहुंचा, इस वजह से कोर्ट ने केस की तारीख बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसे उपस्थित होने के लिए एक मौका और दिया जाता है। राहुल यादव की 12वीं में सप्लीमेंट्री आई थी, लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन के वक्त उसने इस बात को उसने छिपा लिया था। झांसी रोड थाने में राहुल यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। इस केस में आशीष चतुर्वेदी की गवाही शेष रह गई है, वह गवाही के लिए कोर्ट में नहीं पहुंच रहा है, इस वजह से केस की तारीख बढ़ रही है। उसकी उपस्थिति को लेकर अपर लोक अभियोजक विवेक शर्मा ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी वारंट पर तलब किया जाए, कोर्ट ने समन पर उसे तलब किया है। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में चार संसदीय क्षेत्र के लिए 12 मई को मतदान होगा। मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। चारों संसदीय क्षेत्र में 72,17,490 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए 7,357 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर मुरैना भिंड और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र शामिल है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में शिवपुरी जिले के पोहरी एवं करेरा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। मुरैना संसदीय क्षेत्र में श्योपुर जिला, भिंड संसदीय क्षेत्र में दतिया जिला तथा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में शिवपुरी जिले की शिवपुरी, कोलारस एवं पिछौर गुना जिले की गुना एवं बमौरी विधानसभाएं व अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा निर्वाचन के लिए ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 19,75,729 मतदाता कुल 2,327 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय ने स्नातक के छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया है। यह परीक्षा 8 मई की बजाय अब 17 मई से शुरू होगी। पांचवें सेमेस्टर व एटीकेटी के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की वजह से जेयू को तारीख बढ़ानी पड़ी है। जीवाजी विश्वविद्यालय ने रिजल्ट बनाने का काम नई फर्म को दिया है। यह फर्म समय पर रिजल्ट तैयार नहीं कर पा रही है, इस कारण समय पर रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहे हैं। इसका असर परीक्षाओं पर पड़ रहा है। छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं में बदलाव करना पड़ रहा है। बीएससी, बीए, बीकॉम की छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 मई से शुरू हो रही थीं, लेकिन जेयू परीक्षा परिणाम घोषित नहीं कर पाया, इससे तारीख बदलनी पड़ी।
यह परीक्षा अब 17 मई से शुरू होगी। छात्र 8 मई तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ 13 मई तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। जेयू ने संशोधित टाइम टेबल अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को ग्वालियर विजिट पर रहेंगे और यहां मेला ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को देखते हुए पुलिस महकमा अभी से सुरक्षा तैयारियों को पूरा करने में जुट गया है। इसके लिए शुक्रवार को आईजी ग्वालियर राजा बाबू सिंह ने जिले के आला पुलिस अधिकारियों के साथ एसपी ऑफिस परिसर में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। सुरक्षा इंतजाम में स्वागत है। लोगों को एक कोहेसिव टीम के रूप में एक बहुत स्ट्रांग बैंड इस बीवीआईपी विजिट रोटेशन पे है और ये ऑनरेबल पीएम की करते हैं। यहाँ बता दें कि पीएम 5 मई की शाम को ग्वालियर आएंगे और एयरपोर्ट से मेला ग्राउंड पहुंचकर चुनावी आम सभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए ग्वालियर आईजी सहित 2 डीआईजी और 80 पुलिस अधिकारी एवं 1100 से अधिक बाहरी जिलों से आए पुलिस कर्मी यहां तैनात रहेंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट हो रही, हालांकि उनकी प्राइवेट विजिट है और आचार संहिता लागू है। हमें पर्याप्त अधिकारी दिए गए हैं। मेरे साथ 2 डीआईजी रैंक का अधिकारी हैं, डीआईजी श्री AK पांडे जो आम सभा स्थल के इंचार्ज होंगे, डीआईजी चंबल रेंज श्री अशोक गोयल जो एयरबेस के इंचार्ज हैं। मार्ग व्यवस्था हम 8 किलोमीटर का रूट है, माननीय प्रधानमंत्री जी 8 किलोमीटर के रूट से एयरबेस से चल के मेला ग्राउंड तक आएंगे, उसकी हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। करीब 1100 हमारे पास पुलिसकर्मी मिले हैं, 80 अधिकारी हैं जो विभिन्न जिलों से पुलिस मुख्यालय से और यहाँ इस जोन के जो अधिकारी हैं बटालियन है वहाँ से मिले हुए। आईजी ग्वालियर राजा बाबू सिंह ने बताया कि पीएम के आगमन के चलते सैफ हाउस हॉस्पिटल और सभा स्थल पर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। इसके साथ ही जिन मार्गों से पीएम का काफिला निकलेगा उन मार्गों पर पड़ने वाली बड़ी इमारतों पर भी पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे और फिर जो भी स्टैंडर्ड निर्देश होते हैं बीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था, चाहे सेफ हाउस व्यवस्था हो, अस्पताल व्यवस्था हो, हाई राइज बिल्डिंग्स को हम कवर करेंगे और बहुत सारी जो चेकिंग है होटल लाज धर्मशाला वो सब पूरे शहर में कर रहे हैं और सेंसस कर रहे हैं पूरे मार्ग का कि कोई जो है किराएदार तो नहीं आके रह रहा है, कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं रह रहा, ये सारे हम एहतियात बरत रहे हैं। देखिए जो भी स्टैंडर्ड ड्रिल है वो हम सारे अपनाए हैं, पहले भी माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ विजिट हुई है और आम जनता को तकलीफ ना हो इसके लिए पहले से पब्लिश किया जाएगा कहाँ कहाँ डाइवर्जन होगा, कहाँ कहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, किस समय पर ट्रैफिक कहाँ बंद किया जाएगा। हम ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, ऐसे इंतजाम करेंगे कि आम जनता को कम से कम तकलीफ हो। ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके के जिवाजी गंज में रहने वाले प्रदीप गर्ग का शव सागर ताल में मिल गया है। यहां बता दें कि प्रदीप विगत 1 तारीख को अपनी बाइक से सागर ताल गया था और बाइक किनारे खड़ी कर सागर ताल में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस फायर ब्रिगेड गोताखोरों की मदद से उसके शव की तलाश में जुटी थी और सुबह उसका शव मिल गया। बताया गया है कि मृतक अभी अविवाहित था और यहां उसका अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की पुलिस अभी इसकी तलाश कर रही है। 1 तारीख को सुबह चले गए, थोड़ी देर बाद 11:30 भोड़ापुर थाने से फ़ोन आया कि आपकी मोटरसाइकिल सागर ताल पर मिली है। उस मोटरसाइकिल बेस पे हम लोग को वो हुआ तो अंदाज, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे सागर ताल, वहाँ ढूंढवा गोताखोरों ने ढूंढा कोशिश की तो वहाँ बॉडी नहीं मिली। 3 दिन लगातार हम लोग वहाँ पर सुबह से शाम तक वहीं बैठे, आज सुबह 4 बजे पहुँच गए थे, फिर से 4:30-5 बजे मालूम हल्का सा महसूस हुआ तो पुलिस को इन्फॉर्म किया कि शायद आप देखें, तो पुलिस ने आकर जब वो फायर ब्रिगेड कौन होता है फायर ब्रिगेड वाले आए उन्होंने निकाला। अंचल में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। उत्तराखंड में हुई बारिश व ओडिशा के पास आए फानी तूफान की वजह से हवा में नमी आ गई है, इससे अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ बादल भी छाए हुए हैं, जिससे गर्मी की मार झेल रहे लोगों को काफी राहत मिली है। पिछले 4 दिन से शहर भीषण गर्मी का सामना कर रहा है, तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना है।
इससे दिन में गर्म हवा लोगों को बेहाल कर रही है, लेकिन शुक्रवार को मौसम में बदलाव दिखा है। इससे अधिकतम तापमान कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार हवा में नमी आने की वजह से बादल छाने की संभावना बढ़ गई है और यह सब फैनी तूफान का असर है। देखिए, जो एक तूफान वो अभी उड़ीसा तट पर है, वो उड़ीसा से पुरी से लगभग जो साउथ वेस्ट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में 25 किलोमीटर साइड है, तो अभी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये बढ़ रहा है, वो उसकी नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में। तो जैसा कि जो विभाग की जो सूचना है उसके अनुसार जो है ये कि स्पीड इसकी कम है और धीरे धीरे ये चलेगा, तो चूँकि हवाएं जो है वो उत्तर राजस्थान की तरफ से आ रही हैं, तो इसका मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। दूसरा, उसके कारण हवाओं का ट्रेंड जो है बदला हुआ है और उससे हवा सुबह से यहाँ पर जो है ठंडी हवा चल रही है, नमी बढ़ गई है, तापमान में गिरावट आ गई है। कल तापमान जो लगभग 43 डिग्री सेल्सियस था, आज लगभग 39-40 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, तो इससे थोड़ा सा गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, थोड़ी हवा तेज़ चलेगी और एक ट्रफ लाइन जो है राजस्थान से लेके सिस्टम तक जा रही है, उसके कारण भी यहाँ बादल रहेंगे और थोड़ी शाम को गरज थोड़ी थंडरस्टॉर्म हो सकता है, थोड़ा हल्की फुल्का पानी गिर सकता है। ग्वालियर में नगर निगम की ओर से एक दशक पहले शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह बनवाई गई पीने के पानी की प्याऊ देखरेख के अभाव में खस्ता हाल में पहुंच गई हैं। इन प्याऊ में ना तो साफ पानी है और ना ही इनके नलों में टोंटी बची है। ऐसे में भीषण गर्मी में शहर के लोग, खासकर ऐसे लोगों को परेशानी खड़ी हो गई है जिनके पास पानी खरीद कर पीने के लिए पैसे नहीं हैं। दरअसल सालों पहले भीषण गर्मी के दिनों में शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए नगर निगम की ओर से जगह जगह पक्की प्याऊ बनाई गई थी, तो कुछ इलाकों में सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी इनका निर्माण कराया गया था, लेकिन आज के दौर में बाजार में पैक किया हुआ पानी और वाटर एटीएम की सुविधा शहर में मौजूद है, जिसे सक्षम लोग पैसा देकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी में सबसे ज़्यादा हाल उस गरीब तबके के लोगों का हो रहा है जिनके पास इन्हें खरीदने के पैसे तक नहीं हैं। ऐसे गरीब और असहाय लोग इन्हीं प्याऊ के जरिए अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन नगर निगम की उदासीनता के चलते इनकी कभी सफाई ही नहीं होती है। ऐसे में टंकी में भरे पानी में पेड़ों के पत्ते सहित पक्षी भी गिर जाते हैं, जिसके कारण पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी इसकी सफाई की और किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी सबसे निम्न स्तर के लोगों को उठानी पड़ रही है। प्यास लग रही थी और यहाँ पर प्याऊ में पानी पिया तो उसमें बहुत बदबू आ रही थी पानी में, समझे? इसमें क्या मुझे लगता है कोई पंछी वगैरह पड़ा हुआ है, चिड़िया वगैरह कोई मरा हुआ नहीं होती साहब, उसमें साफ सफाई नहीं होती, ऐसे ही भरा रहता था। अब पानी पीने आए तो गंदगी, अब सब परेशानी तो यही साहब, पानी नहीं मिल जाता। लोकसभा चुनावों के लिए लोगों को जागरूक करने जिला प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आरटीओ द्वारा भी शुक्रवार को बस स्टैंड परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान कलेक्टर अनुराग चौधरी, एसपी नवनीत भसीन और आरटीओ सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।